गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट, नाउ फर्स्ट डिसऑर्डर इज एस्थमा. इट इज़ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, कॉजेज वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स. क्लियर, इन्फ्लेमेशन का मतलब है बेटा जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है. ठीक है, ड्यू टू विच यू फील सम प्रॉब्लम. ठीक है, एकदम से खांसी या सांस लेने में प्रॉब्लम, दैट इज एस्थमा. इट इज़ वेरी कॉमन, वी हैव ऑलरेडी डन. इट इज़ कॉज ड्यू टू द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द यू कैन से कैरेट ग्रास. राइट, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज एम्फिसीमा. एम्फिसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज. जो एल्वियोली की वॉल्स होती हैं उसमें डैमेज हो जाती हैं. तो इफ द वॉल्स आर डैमेज तो यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज. तो यहाँ पे एक्सचेंज होनी वो सर्फेस कम हो जाएगी. एंड द मेन कॉज ऑफ दिस एम्फिसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग. जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उसके धुएँ से जो एल्वियोलर वॉल्स होती है बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी थिन सो दे विल गेट डैमेज. और डैमेज होने से क्या होता है, उनकी वॉल्स में होल्स हो जाते हैं एंड दोज होल्स विल क्रिएट द सर्फेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और जब होल्स हो जाएंगे तो नेचुरली लेस ऑक्सीजन इज कैरिड इनसाइड, उनके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कह लो या एक्सचेंज कह लो वो कम हो जाएगी. राइट, सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एम्फिसीमा. नाउ वन मोर प्रॉब्लम इज देयर दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मीन्स जो किसी के काम की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी रेस्पिरेशन में. जैसे आपने देखा होगा जो सीमेंट का काम करते हैं या मार्बल का काम करते हैं, ठीक है, या सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ पे स्टोन्स वगैरह की कटिंग होती है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या ऑलरेडी वो डस्ट पार्टिकल्स निकलते रहते हैं एंड दे विल गो इनसाइड एंड कॉज द डैमेज टू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक. क्लियर, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो किसी की काम की जगह की वजह से हैं. क्लियर, एनी प्रॉब्लम विच इज़ ड्यू टू द टाइप ऑफ वर्क दैट पर्सन इज डूइंग. क्लियर, जैसे इंडस्ट्रीज में हो गया तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स. तो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of body can't fully cope with that. तो उसको पूरी तरह से आपको बचा नहीं सकता. Long exposure, if regularly you are doing that job, आप लगातार उस काम को करते जा रहे हो, that give rise to inflammations and leading to the fibrosis. Clear? That is proliferation of fibrous tissue and thus causes serious lung damage. तो आपके lungs damage हो जाएंगे. And workers in such industry should wear a protective mask. So these are the basic problems which normally your respiratory tract is facing. Clear? So with this your chapter is over. Right? Thanks and have a nice day.